आज ही के दिन सन 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर एक बंदूकधारी ने वॉशिंगटन में हमला किया था। ये घटना उस समय हुई जब व्हाइट हाउस से करीब एक मील दूर स्थित हिल्टन होटल से रोनाल्ड रीगन एक सम्मेलन को संबोधित कर बाहर निकल रहे थे। घटना के तुरंत बाद अमेरिकी शेयर बाजार में कारोबार और ऑस्कर पुरस्कार समारोह को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। सन 1992 में आज ही के दिन भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे को ऑनररी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पाथेर, पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार, चारुलता जैसी यादगार फिल्में बनाने वाले सत्यजीत रे ने अपने जीवन में कुल 37 फिल्में बनाई थी। सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ही सत्यजीत रे को विशेष ऑस्कर सम्मान से नवाजा गया था। आज ही के दिन सन 1997 में कांग्रेस ने एचडी देवगौड़ा सरकार के कमजोर नेतृत्व का हवाला देते हुए समर्थन वापस लिया था। इसके साथ ही एक साल के भीतर तीसरी बार सरकार बदली गई थी और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में 16 दलों की संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई गई थी। सन 2002 में आज ही के दिन प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी का निधन हुआ था। सन 1972 में आई फिल्म मोम की गुड़िया में आनंद बख्शी को गाने का मौका मिला। 4 दशक तक फिल्मी गीतों के बेताज बादशाह रहे आनंद बख्शी ने 550 से भी ज्यादा फिल्मों में लगभग 4000 गाने लिखे।